गुजरात के अहमदाबाद में नवजात शिशुओं के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कल फिर 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिछले 5 से 6 दिनों में करीब 24 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल की बीमारी और प्री मेच्योर डिलीवरी की वजह से नवजात की मौत हो रही है। शनिवार को एक ही दिन में 9 बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की थी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों की मौत पर चिंता भी जताई थी, लेकिन फिर भी सिविल अस्पताल बच्चों की मौत रोकने में नाकाम रही। नवजात शिशुओं की मौत को लेकर कल ही 3 सदस्यीय कमेटी के स्वास्थ्य विभाग को शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई थी। अस्पताल को क्लीन चिट भले ही मिल गई हो, लेकिन बच्चों की मौत पर ब्रेक नहीं लगने से लोगों के अंदर गुस्सा है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले अगस्त में यूपी के गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर जमकर बवाल हुआ था।